सरकारी कर्मचारी ने महिला से धोखाधड़ी कर की दूसरी शादी। पीड़िता के पक्ष में इंटक ने कलेक्ट्रेट में दिया धरना, ज्ञापन देकर की कार्रवाई की मांग। आपको बता दें, तस्वीरों में दिख रहा नजारा शाहजहांपुर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर का है, जहां राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के जिलाध्यक्ष पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। इस दौरान मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी बरखा सिंह को दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र की पीड़िता के साथ धोखाधड़ी कर प्रेम प्रकाश कठेरिया, रजिस्टर स्टाम्प सदर शाहजहांपुर में पहली पत्नी के रहते हुए उसको मृत बताकर पीड़िता से शादी रचा के बस्ती जिले से ले गए हैं। राजकीय सेवाओं में रहते हुए दूसरी शादी सेवा संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। रजिस्टर स्टाम्प सदर प्रेम प्रकाश पटेरिया द्वारा वर्ष 2017 से पीड़िता का शारीरिक शोषण एवं मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। पीड़िता ने आज से पहले भी कई शिकायती पत्र आला अधिकारियों को भेजे, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। राष्ट्रीय मजदूर संघ इंटक की ओर से मांग की गई है कि प्रेम प्रकाश कठेरिया रजिस्टर स्टाम्प सदर के विरुद्ध जालसाजी, शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई जाए तथा सरकारी सेवा में रहते हुए दूसरी शादी करने के आरोपी कठेरिया को नौकरी से बर्खास्त किया जाए। इसके साथ ही 15 दिनों में कार्रवाई न किए जाने पर राष्ट्रीय मजदूर संघ इंटेक पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करने को बाध्य होगी, ऐसी चेतावनी भी दी गई है। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में युवा जिलाध्यक्ष शान मोहम्मद, राकेश कुमार सिंह, कार्यालय सचिव कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष सुनीता सिंह, दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या समस्या है आपकी, क्या नाम है आपका? उन्होंने मेरे साथ शादी की, सेकंड मैरिज की मुझसे। उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे वाइफ का डेथ हो गया है, मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं, इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि बीबी भी है, दो बच्चे भी हैं, वो लोग बालिक हैं, मैरिज भी उनकी हो चुकी है। और मैंने जब कदम उठाना चाहा कि मतलब मुझे आखिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, तो बोले कि मतलब मैंने ऐसे ही किया था। उन्होंने मतलब हम उनसे कह रहे हैं कि मतलब आपने झूठ क्यों बोला, वो बोल रहे हैं अब मेरा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने कहा मैंने कोई मतलब हम कदम उठाएंगे, मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आपने मेरे साथ झूठ बोला, धोखाधड़ी किया, बोल रहे कुछ नहीं कर पाओगी आप मेरा। अगर आपको न्याय ना मिला तो क्या करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।